नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करें तो आर्मी जीएस सुपर सीरीज जो हमारी चल रही थी उसका पार्ट नंबर 22 होने वाला है, बड़ी शानदार क्लास होगी। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा। हालांकि काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के बीच लाइव आया हूँ, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीछे के वीडियो जब मैं लाइव नहीं आता तो पीछे के वीडियो आप देख लिया करो। और आपको पता है हमारी क्लास कई बार नहीं होती है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपका क्विज होता है, वो रोजाना होता है। जैसे 1 बजे आपका मैथमेटिक्स का क्विज होता है, यदि मैं बात करूँ शाम को 8 और 8:20 पर आपको बताया जीके और जीएस का मॉक टेस्ट वहाँ होता है, रेगुलर आपको करवाया जाता है क्वेश्चंस। तो वहाँ जो टेलीग्राम पर हमसे नहीं जुड़े ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में नीचे दे रखा है, तो आप जल्दी से सभी विद्यार्थी वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, 15 क्वेश्चन हम करने वाले। यदि आपके 13+ क्वेश्चन हो गए तो आज का सेशन आपका शानदार रहेगा। 13 से कम किसी भी विद्यार्थी का टारगेट नहीं होना चाहिए, 13+ ही करना, हो सके तो 15 में से 15 करने का कोशिश करनी है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दर्क है, भूकंप की तीव्रता नापने का जो यंत्र होता है उसका क्या नाम है? जल्दी से देने की कोशिश करिएगा जवाब। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, डी बता रहे सिस्मोग्राफ, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भूकंप की जो तीव्रता होती है यानी उसकी नापने के यंत्र की बात करें तब आपको सिस्मोग्राफ करना है। यदि मैं बात करूं वो स्केल कौन सी होती है, पैमाना दर्शाए जाने वाली स्केल कौन सी है, तो वो रिएक्टर स्केल है। काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है भूकंप नापने का जो स्केल कौन सी काम ली जाती है, तो रिएक्टर स्केल काम में ली जाती है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि का मतलब सब पर नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कहा जाता है? जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो नोट कर लीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ आपको कोई नहीं आता है तो कॉपी और पेन साथ रखिएगा, नोट करते जाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का तो आप सभी को पता ही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पिट्यूटरी ग्रंथि, बिल्कुल उनका उत्तर सही, अंग्रेजी में कहे तो पिट्यूटरी ग्रंथि, यदि हिंदी में बात करें तो पीयूष ग्रंथि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और आपको पता होगा पीयूष ग्रंथि से वर्दी हार्मोन स्रावित होता है, इस हार्मोन की कमी से आपको पता होगा व्यक्ति बोना रह जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा वर्दी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। यदि मैं बात करूं यहां थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि से आपको पता होगा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और इसकी कमी से गोइटर या गेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि वो आयोडीन से संबंधित ग्रंथि है। तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि की बात करूं तो आपको पता होगा जो खुशी, हम बात करें हंसी और खुशी दिलाने वाली जो ग्रंथि होती है वो अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि की बात करूं तो आप सबको पता होगा अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और आपको पता होगा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, किसकी मात्रा को, इंसुलिन हार्मोन होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो आपको पता होगा इस हार्मोन की कमी से हम कह सकते हैं जो हम कहते हैं क्या शुगर होता है, वैसे डायबिटीज होता है वो रोग हो जाते हैं, तो ये आप सभी को याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको दिल से क्लास अच्छी लग रही है, मन से आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास में कुछ दमदार आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी लाइव है सभी से एक एक गुजारिश करूंगा, एक एक लाइक आप सभी विद्यार्थियों का बनता है। यदि आप रेगुलर, कल आपका हो सकेगा तो मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि अब आपको पता है मैं इतने दिन तो आपको पता है गाँव में था, तो थोड़ा बहुत आपको पता है काम की वजह से या थोड़ा तो आपको पता है डिस्टर्ब होता था, लेकिन अब मैं एक क्लास आपको देने की रोजाना क्लास कोशिश करूंगा, 15-20 मिनट जितनी भी क्लास होगी, तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर पीडीएफ दीजिए, तो मैंने यूट्यूब पे इतना मटेरियल डाल रखा है, आप सुपर सीरीज जो मैंने क्लास चला रखी है वो देख लीजिएगा, आपको कोई पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर यदि सुपर सीरीज के मैंने बताया था 30 प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आर्मी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, 100% मेरी गारंटी है। और फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो मैंने ई बुक, हमारी जो बुक है ई
बुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप ले सकते हो। बाकी आपकी यदि आप प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना चाहते हो, अगला क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है उसमें क्या क्या मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे सब कुछ पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन तो आपको पता है काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना आपको बताऊंगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करें तो आपको बताऊंगा वायुमंडल में अनेक गैसों की क्या होती है, परतें होती है, और जिनका अपवर्तनांक क्या होता है अलग अलग होता है, यानी उनका घनत्व अलग अलग होता है। क्या होता है? घनत्व अलग अलग होता है, इसका मतलब उसका अपवर्तनांक क्या होता है अलग अलग होता है। और इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको बताऊंगा तारे वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब मैं बात करूं तो आपको पता होगा, जो आपको पता है गिलास में जब हम कोई एक सिक्का डालते तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है पानी से भरी गिलास में डालने पर, और आपने देखा होगा जैसे हम पेंसिल डालते तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी आपको पता होगा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करूं तो जो रेगिस्तान में मरीचिका होती है वो किसके कारण दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। और भी आपके काफी सारे उदाहरण बने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करूं तो जो फाइबर होता है आपको पता है फाइबर लाइन जो नेटवर्क के लिए बिछाई जाती है उसमें भी आपको पता होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, यानी फाइबर जो लाइन होती है ऑप्टिकल फाइबर वाली लाइन आपको पता है जो नेटवर्क के लिए इंटरनेट के लिए काम में ली जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 4 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहा जाता है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यानी बिना निषेचन के अंडे का जो विकास होता है यानी बच्चा बनता है उसको क्या कहते हैं, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, पार्थोनोजेनेसिस बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। वैसे कहे तो आपको पता है यदि विकास की बात करें निषेचन के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं युग्मज, क्या कहते हैं उसे आपको ध्यान रखना है युग्मज कहते हैं। यदि पूर्णतः यानी हम निषेचन के द्वारा होता है अंडे का विकास तब उसे क्या कहते हैं युग्मन जनन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। यह क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 100% काफी सारे विद्यार्थी गलत करेंगे और देखते कौन कौन विद्यार्थी सही करेंगे। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने घुमा रखा है, ध्यान दीजिएगा आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, रासायनिक यौगिक मैंने दिया, रासायनिक यौगिक की छोटी इकाई क्या है, तो आपको ध्यान रख लेना है क्या होता है जल्दी से बताइएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे अणु, बिल्कुल उनका उत्तर सही। यह क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, नोट कर लीजिएगा, आपको कहे तत्व की छोटी इकाई क्या है, ध्यान रखिएगा तत्व की छोटी इकाई की बात करें तब आपको क्या करना है परमाणु करना है, यानी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है तब आपको क्या करना है परमाणु करना है यानी एटम करना है, यानी तत्व आपको ध्यान रख लेना है, खास तौर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको कहे रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है तब आपको करना है अणु, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन की बात करूं तो आपको पता होगा धनावेशित कण है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रोटॉन क्या होता है धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋणावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त, यानी हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त का मतलब हो गया जहर है, आपको पता होगा विषाक्त का मतलब क्या होता है जहर होता है, जैसे आपको पता होगा भोजन विषाक्त कहते हैं यानी भोजन का जहर बनना। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का पहले बात तो हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो CO होता है, क्या होता है CO होता है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है यानी किसको प्रभावित करती है, आपने देखा होगा जब हम बात कर लेते हैं जैसे क्या बोलते हैं चिमनी बोलते हैं ना चिमनी, उसमें आपको पता है जब धुआं निकलता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसी कारण आपको देखा होगा अंगीठी भी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं अंगीठी भी बोलते हैं, आपको पता है चिमनी जो काफी सारे विद्यार्थी आप जानते भी हो चिमनी को क्या बोलते हैं अंगीठी बोलते हैं, जो पुरातत्विक यानी पहले आपको पता है जलाई जाती थी जो प्रकाश करने के लिए, आपको पता है पहले ये लाइट की ये सुविधा नहीं हुई करती थी तो चिमनी हुआ करती थी उसको जलाते थे, तो आपको पता है जब कमरा बंद कर दिया जाता था तो आपको पता है चिमनी के धुएं से क्या होता था कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु उसे क्या कहते हैं आपको पता होगा साइलेंट मृत्यु भी कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। साइलेंट मृत्यु क्यों कहती है, क्योंकि आपको पता है व्यक्ति जब नींद लेता था और आपको पता है रक्त के साथ ऑक्सीजन
चिपकनी चाहिए, जबकि उसके स्थान पर क्या चिपक जाती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाती थी। यानी हम बात करें तो ऑक्सीजन का स्थान कौन ले लेती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाती थी। इसी कारण व्यक्ति की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, उसे कहते थे साइलेंट डेथ। कर लेते इसका ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। यानी कार्बन ऑक्सीजन के स्थान कौन लेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेगी, इसी कारण क्या होगा आपको पता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको लॉजिकल क्वेश्चन मैंने जरूर दिया, यानी रक्त में ऑक्सीजन का स्थान ले लेती है, कौन ले लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेती है, यह आपको ध्यान रख लेना है। काफी सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दे दिया है, तो आपको ये सब ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या देखा है क्वेश्चन नंबर 7, एक सामान्य मनुष्य के पीएच का मान, जो रक्त होता है ना सामान्य मनुष्य का, उसका पीएच का मान कितना होता है, यानी रक्त का पीएच मान आपको बताना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो रक्त का पीएच मान वैसे कहे तो आपने देखा होगा क्या होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। यदि आपको ऑप्शन में सीधा डायरेक्ट देता है तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे 7.35 से कितना, 7.45, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, क्योंकि इनके बीच में तो बीच में 7.4 आता है, तो लगभग हम एवरेज कितना मानते हैं, 7.4 मानते हैं, और ऑप्शन इस तरह है, तो आपको याद रख लेना है 7.35 से 7.45 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, आज सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है यदि आपके ध्यान में आ रहा है तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, यदि मैं बात करूं 7 से कम पीएच मान वाले क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं, वो 7 से ज्यादा पीएच मान वाले क्या कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। यदि मैं बात करूं पीतरस, तो ये आपको पता होगा, रक्त की बात करें तो रक्त क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, क्योंकि 7 से ऊपर हो गया इसका मतलब क्या होता है, हल्का क्षारीय, और पीतरस भी क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, ये आपको याद रख लेना है। और पीतरस का श्रवण कहां से होता है, यानी पीतरस का श्रवण कहां से होता है, यह आपको ध्यान रखना है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, यानी लीवर से होता है, यह आपको ध्यान रखना है, किससे होता है, लीवर से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और विद्यार्थी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 8 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन तो मैंने काफी बार आपको बता दिया, आनुवंशिकता की इकाई को कहा जाता है जीन। जो ऑप्शन में क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 23 जोड़ी होती है, कितनी जोड़ी होती है, गुणसूत्र। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी, यानी कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। पौधों द्वारा क्या देर का, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपको पता होगा, बीकानेर भर्ती 2018 में हुई थी जो अक्टूबर में, उसमें यह क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होगा क्या कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, डी बता रहे, प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं, आपको इंग्लिश में नाम दे, इंग्लिश में नाम दे तो क्या देगा, तो आपको ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस देगा, क्या देगा, फोटोसिंथेसिस देगा, ये आपको याद रख लेना। नाम लिख दूं मैं थोड़ा सा, फोटो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस, ये लिख लीजिएगा जल्दी से, काफी बार एग्जाम में आ चुका है तो ये ऐसे नाम लिखा हुआ है अंग्रेजी में, कहे तो कई बार ऐसे आ जाता है, ये प्रक्रिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं आपका, 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारी हड्डियां और जो दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा हमारी हड्डियां और जो दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, आपने बता ध्यान रखा होगा, कैल्शियम, किसके बने होते हैं, कैल्शियम, तो आपको कैल्शियम नाम देखते ही पता चल गया, ट्रिकल कैल्शियम फास्फेट। इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र भी आपको याद रख लेना, क्या होता है, CA3, क्या होता है, सूत्र में लिख देता हूं, CA3PO4, क्या, PO4 की होल ट्वाइस, क्या, होल ट्वाइस, ये इसका सूत्र होता है, सूत्र भी कई बार दे सकता है, तो आप इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और दांतों का जो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोर अंग होता है, क्या होता है, इनेमल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो सफेद दांतों का सफेद इनेमल होता है वो क्या होता है, दांतों का सबसे कठोर अंग होता है, सॉरी किसका, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। यदि मैं बात करूं ब्लीचिंग पाउडर या कहीं विरंजक चूर्ण, इसी को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं हिंदी में, तो याद रखिएगा CaOCl2 होता है। यदि मैं बात करूं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। अब बात कर लेता हूं मैं, यदि कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो मार्बल का सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है, मार्बल का सूत्र होता है। यदि मैं बात करूं NaSCO3, तो ये तो आपको पता ही होगा किसका, जो खाने का सोडा होता है उसका सूत्र होता है, किसका, खाने के सोडे का सूत्र होता है। यदि मैं बात करूं तो इसका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका मुख्यतः यूज किसमें किया जाता है, जैसे जल के शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस क्या होती है, निष्कासित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जल के शुद्धिकरण में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। यदि मैं बात करूं तो कपड़ों आदि से जो रंग हटाने के लिए यूज किया जाता है वो भी ब्लीचिंग पाउडर ही यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, बार आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सिरका बनाने में, सिरका जो होता है आपको पता है वो बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। क्या जवाब होगा, एसीटिकमल, एसीटिकमल आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। काफी सारे विद्यार्थी जवाब भी दे दिए। अब बात कर लेते हैं एसीटिकमल का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो जल्दी से लिख लीजिएगा CH3COH, ये होता है एसीटिकमल का सूत्र। सूत्र भी आप याद रखिएगा, कई बार क्या दे देता है, फॉर्मूला दे देता है, इसको एथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड कहते हैं, यानी अम्ल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मेथेनॉल की बात करें तो मेथेनॉल आपको पता होगा क्या कहते हैं, नीली शराब होती है। मेथेनॉल क्या होती है, नीली शराब होती है, जो व्यक्ति को क्या कर देती है, अंधा कर देती है, व्यक्ति को क्या कर देती है, अंधा कर देती है। और इथेनॉल की बात करें या कहते हैं एथेनॉल, ये आपको पता होगा एल्कोहल, ये किसका सूत्र है। यदि हम बात करें इथेनॉल किसे कहते हैं, एल्कोहल को कहते हैं, वो होती है असली शराब। क्या होती है, जो शराब होती है वो क्या होती है, एल्कोहल होती है, ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। यदि बात करूं इस जो सिरका होता है उसमें कितने प्रतिशत एसीटिकमल होता है, तो आपको ध्यान रखना 4% एसीटिकमल होता है और बाकी 96% क्या होता है, जल होता है। 96% क्या होता है, जल होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, प्रतिशतता भी मात्रा, क्योंकि कई बार प्रतिशतता भी पूछ लेता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूं आप नोट करते रहेगा, और आप ईमानदारी से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करते रहेगा, ताकि हम आपके लिए मेहनत ज्यादा से ज्यादा करते रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बहुत ही शानदार है, क्या दे रखा है, एक प्रकाश वर्ष को कितने मीटर में बदलो, यानी एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, 9.46 × 10^15, ये 10^15 है, ठीक है ना, 15, थोड़ा यहाँ टाइपिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10^15 होता है मीटर में कहे, और वैसे कहे किलोमीटर में, तो याद रखिएगा 9.46 × 10^15 कितनी हो जाएगी, आपको पता 3 कम हो जाएगी, 12 किलोमीटर। कई बार किलोमीटर में भी दे सकता है, तो आप नोट कर लीजिएगा दोनों ही, क्योंकि आपको पता है किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 घात कम कर देंगे, यानी 15 में से 3 कम कर दो, कितना बचेगा, 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। एक होता है आपको पता है AU, AU का मतलब खगोलीय यूनिट कहते हैं, AU का मतलब क्या होता है, खगोलीय यूनिट कहते हैं, और एक AU में कितना होता है, ये भी आपको याद रख लेना है, कितना होता है आपको पता होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है औसतन दूरी, उसी को क्या कहते हैं, AU कहते हैं, यानी खगोलीय यूनिट कहते हैं, ये आपको याद रख लेना। अब बात कर लेते हैं ये कितनी होती है, 1.49 × 10^10 कितनी होती है, 10^11 मीटर होती है, कितनी होती है, 10^11 मीटर होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहां से आपको पता होगा, पारसेक की बात करें तो आपको पता होगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का मैंने अभी बताया था, जो खाने का सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। यदि मैं बात करूं धावन सोडे का सूत्र, तो आपको पता होगा Na2CO3 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट किसका होता है, धावन सोडे का सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में अभी बता रहा था किसका, यानी मार्बल का सूत्र होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 0.03%, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। यदि मैं बात करूं सर्वाधिक मात्रा में कौन होती है, N2 यानी नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी, 78% होती है लगभग। यदि मैं बात करूं दोनों में कौन आती है, ऑक्सीजन आती है, जिसकी मात्रा कितनी होती है आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा 21% होती है। और तीन नंबर पे कौन आती है, आर्गन आती है, अकेले गैस कौन सी आती है, आर्गन आती है, जो कि आपको पता है विद्युत बल्ब में भरी जाती है, उसकी मात्रा कितनी होती है, 0.93 कुछ समथिंग ये होती है प्रतिशत, याद रख सकते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जिसे शुष्क बर्फ भी कहती है। कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा कैसी क्लास लगी, क्या कुछ आपको समझाने वाला समझ में आया या नहीं आया। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, और जो हमारी ई बुक लेना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिन्होंने ले रखी है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं ले सकी है प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। बाकी आपको पता है टेलीग्राम पर हमारा मॉक टेस्ट चलता रहता है हमेशा, जो आपको क्विज करवाते रहते हैं, 1 बजे मैथमेटिक्स का होता है और शाम को 8 और 8:20 पर GKGS का होता है, रेगुलर होता है, तो वहां भी जुड़िए। आपको पता है काफी सारे विद्यार्थी क्विज का फायदा भी ले रहे हैं हमारे चैनल पे, टेलीग्राम पे जुड़ के, ग्रुप में जुड़ के। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।